परिवर्तन ओके सो आज हम लोग मोदी केयर के नए प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब लोग पेन पेपर उठा लीजिए। मैं आज आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगी, कुछ यूएसपी बताऊंगी कि मोदी केयर में काम करके क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और बाकी सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है, परिवर्तन, सोच बदलो, खुद को यस बदलो, मैम, इंडिया दिखाई दे फर्स्ट। रहे ओके ठीक है। सो ये जो टैगलाइन है ये मोदी केयर का है। साइड में जो सर दिखाई दे रहे हैं उनका नाम है समीर मोदी। समीर मोदी मोदी ग्रुप के जो ये हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और मोदी ग्रुप कौन है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हमारे देश में सिर्फ दो घराने हैं जिनके नाम पे नगर बसे हैं, सिटी हैं। एक है मोदी नगर जो कि यूपी में है, और दूसरा है टाटा नगर जो जमशेदपुर में को हम जानते हैं टाटा नगर के नाम से, राइट। तो ये दो ही परिवार हैं जो इतने बड़े परिवार हैं कि इनके नाम पे नगर बसे हुए हैं, और मोदी ग्रुप जो है उसी का एक वर्जन है मोदी केयर। ठीक है, सो हम बात करेंगे आज मोदी केयर के लिए। ओके सो सबसे पहली जो चीज है, मोदी केयर है क्या? एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आपको फ्रीडम दे रही है पैसा कमाने के लिए, जो आपको फ्रीडम दे रही है आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो इसको जो प्रेजेंटेशन में जो क्लियर दिखा हुआ है, होप टू फ्रीडम। होप टू फ्रीडम किस चीज की फ्रीडम? फाइनेंशियल सिक्योरिटी की फ्रीडम, वर्ल्ड ट्रेवल की फ्रीडम, उसके साथ साथ में अच्छी कार, लग्जरी कार लेने की फ्रीडम, उसके बाद में एक बड़ा सा घर लेने की फ्रीडम, अपनी कमाई से अपना घर लेने की फ्रीडम। हम सब लोग घर में रह रहे हैं बट अपनी कमाई से किया हुआ जो अचीवमेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है। रिकॉग्नाइजेशन की फ्रीडम, उसके साथ साथ में अपनी लाइफ और काम को बैलेंस करने की फ्रीडम। आज अगर मैं बिजनेस में हूँ तो मेरा सुबह से रात तक बिजनेस में चला जाता है। मेरे पास में मैं चाहूँ कि घूमने भी चले जाऊँ, रिश्तेदारी में भी चले जाऊँ और काम भी कर लूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। सेम चीज जॉब वालों के साथ में भी वही होता है। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आपने शुरुआत के 4-5 साल अगर इसमें बहुत अच्छे से लगा दिए तो आप जिंदगी भर अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को कर सकते हैं, आप अपने तरीके से जिंदगी को जी सकते हैं। सो अगर आप सब लोग इस टाइप की ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं जहां पर हर चीज की आपके पास में फ्रीडम हो, सो मोदी केयर एक लाइफ बहुत ही राइट प्लेटफॉर्म है। क्यों है राइट प्लेटफॉर्म? बाय मोदी केयर बहुत सारी जगह हैं जहां पे हम काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया है, नॉर्मली अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम पैसा कमाते हैं। पैसा कमाते हैं, हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसको पूरा कर सके। एक चार्ट दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है 20-20 साल के डिफरेंस की। अगर कुछ लोग जो 1960 में होंगे या 1960 में जिनकी फैमिली होगी वो बताएंगे कि जो लोग 1960 में 100 रुपए महीना कमाते थे तो उनकी लाइफ बहुत लग्जरी लाइफ होती थी, क्योंकि 100 रुपए में उनका पूरा परिवार, ज्वाइंट फैमिली भी खुशी खुशी सारी जिंदगी बहुत अच्छे सारे तरीके से सारे खर्चे बहुत आसानी से पूरे कर लेते थे। बट यही इनकम जो है 2080 में, 2080 में हम तो पैदा हो चुके थे, तो उस समय हमको पता है कि पापा की जो सैलरी होती थी वो 700-800 रुपये महीना होती थी। फिर भी कोई कमी नहीं होती थी घर में, हर चीज की सुविधाएं होती थी, जो चाहिए होता था वो सब मिल जाता था क्योंकि सस्ता था मार्केट में। मतलब पैसे की जो कॉस्ट थी वो ज्यादा थी और चीजों की कॉस्ट जो थी वो कम थी। ठीक, फिर आया 2000, मतलब हर 20 साल में हमारी जो इनकम है उसमें 1 0 बढ़ना जरूरी हो गया, अगर हम एक लाइफस्टाइल, नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं तो। अगर मैं बात करूं 1960 की तो 100 रुपया, 1980 की तो 1000 रुपये में घर चल जाते थे, बट यहीं पर 2020 में 10,000 रुपये कम पड़ने लगा घर चलाने के लिए। मगर मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर 10,000 है तो एक साधारण फैमिली चल सकती है। अब हम आ गए 2020 में, आप सब लोग भी, सबके घर में पैसा आता होगा। आज 50-60 हज़ार रुपए भी महीने का अगर घर पे आता है तो कम पड़ रहा है। अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ में जिंदगी बिताना चाहते हैं,
आप जैसे चाहें वैसे जीना चाहते हैं, साधारण नहीं, थोड़ी सी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, आज महीने का 1,00,000 रुपए भी कम पड़ रहा है, ये रियलिटी है। तो आने वाले आज से 20 साल बाद यही स्थिति और ज्यादा बढ़ेगी, ये और ज्यादा बढ़ेगी। अगर हम 2040 की बात करें तो हमको 10,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी अगर हमको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है तो। तो यहाँ पर अगर हमारी इनकम का लेवल, हम जो भी काम कर रहे हैं वो इनकम का लेवल इस ग्रोथ से नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं सफर करेंगे, हम कहीं ना कहीं अपने सपनों के सेक्रीफाइस करेंगे। एक एग्जाम्पल दिया है, एक इंसान एवरेज अपनी लाइफ में 40 साल काम करता है, 40 साल वो काम करता है, तो जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनके पास में तो रिटायरमेंट का एक पैसा होता है, जहां पर वो काम करना बंद करते हैं, इनकम आधी हो जाती, बट एटलीस्ट मिलती तो है। अब गवर्नमेंट जॉब का जमाना चला गया, अब अगर हम बात कर रहे हैं 40 साल काम करने के बाद अगर हम काम बंद कर देते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आधी हो जाती है इनकम, अगर मैं प्राइवेट में हूँ या बिजनेस में हूँ और अगर मैंने 40 साल बाद रिटायरमेंट ले लिया तो मेरे पास में इनकम जीरो हो जाती है। अगर हम काम कर रहे हैं तो पैसा आएगा, काम नहीं कर रहे हैं तो पैसा नहीं आएगा, बट क्या जिंदगी भर हम काम करते रहेंगे, क्या हमारी बॉडी हमको पूरे टाइम पे मतलब ये करेगी, एक्टिव रहेगी? सो सिंपली सिंपल सी चीज है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, हम देखते हैं कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये सीए है, ये प्रोफेशनल है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट जैसे ही वो काम करना बंद करते हैं पैसा आना बंद हो जाता है। बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर शुरुआत में हम काम करते हैं और काम करने के बाद में उस समय मेहनत करते हैं, जब हम काम करना बंद करते हैं तब हमको ज्यादा नहीं 10 गुना ज्यादा इनकम आनी शुरू हो जाती है। उसके कई सारे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जो मेरे सामने है, मैंने चूंकि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत काम किया है। एक चार्ट दिया हुआ है कि अगर आपने 2 से 5 साल अब बहुत मेहनत की तो शुरुआत में आपको करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, इनकम कम आएगी, एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे और इनकम कम आएगी, बट एक समय के बाद में आप टाइम कम लगाओगे और इनकम ज्यादा आएगी। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ग्राफ देख रहे हैं, शुरुआत में आप टाइम ज्यादा दोगे इनकम कम आएगी, बाद में आप टाइम कम दोगे और इनकम ज्यादा आएगी। सो इससे बेहतरीन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जहां पर हम प्रॉपर तरीके से ये देख सकें कि हम काम करते करते तो कमाएंगे, काम ना करते हुए बहुत ज्यादा कमाएंगे। सो ये डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई और इंडस्ट्री नहीं दे सकती। अब ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल मार्केट में हम सब लोग बहुत ध्यान से इस स्लाइड को देखना और इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, हम लोग चाहे कुछ भी लाते हैं, हम कोई भी चीज लाते हैं, चाहे हम घर में एक हमारे यहाँ मैगी का पैकेट आ रहा है या हमारे यहाँ एक बिस्किट का पैकेट आ रहा है या घर का सामान आ रहा है, जो भी चीजें हमारे घर में आ रही हैं उसको बनाने वाला काम एक कंपनी करती है और उसको बेचने वाला काम कोई और करता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि कॉफी की बात करूं या मैं किसी भी चीज की बात करूं, उसको बना अलग कंपनी रही है, बेच कोई और रहा है। मतलब अगर मैं चाय पत्ती टाटा की ले रही हूं तो बनाने वाला काम कर रहा है टाटा और बेचने का काम कर रहा है रिलायंस, मेगा, डी मार्ट और बाकी सारे लोग, या एक हमारा दुकानदार जिसके पास से हम किराने का सामान खरीदते हैं। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो डायरेक्टली कंपनी बना रही है और हमको वो डायरेक्ट नहीं दे रही है, वो किसी ना किसी माध्यम से जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 100 रुपए किसी चीज का पे करते हैं, अगर हम एक 250 ग्राम की चाय पत्ती 100 रुपए में खरीदते हैं, तो उसकी जो रियल कॉस्ट होती है, उसको तैयार करने की जो कॉस्ट होती है, उस कंपनी को सिर्फ 35 रुपए लगती है, बट 35 रुपए में वो कंपनी बना देती है प्रोडक्ट पैकेजिंग के साथ, हर चीज के साथ, टैक्सेशन के साथ, बट वही चीज को वो जब बेचती है तो डायरेक्ट ना बेचने की जगह वो क्या करती है, कंपनी देती है डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसका एक बड़ा मार्जिन उसमें ऐड हो जाता है। तो कंपनी ने प्रोडक्ट में सब कुछ खर्चा ऐड करके एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन ऐड हुआ, इसलिए उसकी कॉस्ट एक एक्स हो गई। अब उसी चीज को होलसेलर के पास में वो चली जाती है, होलसेलर के पास जाने के बाद में उसमें और चीजें और पैसा ऐड हो जाता है, फिर वो रिटेलर के पास में जाती है, रिटेलर के पास में जब जाती है तो उसकी प्राइस कुछ और हो जाती है, और एक्चुअल में जो हम लोग हैं वो हम 100 रुपए देके उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं,
जो हम 100 रुपए दे रहे हैं उसकी रियल वैल्यू 35 रुपए 40 रुपए है, बल्कि कभी कभी 20 रुपए से शुरू होकर 35-40 रुपए तक आती है। ये जो मार्जिन होता है, ये मार्जिन कहाँ जाता है? ये मार्जिन जाता है इन बीच के लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, सुपर स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट, इन सब लोगों को ये मार्जिन बढ़ता है अगर हम प्रोडक्ट में बात करें। यहीं पर अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, डायरेक्ट सेलिंग इट मींस मोदी केयर की, तो मोदी केयर प्रोडक्ट खुद बनाता है या बनवाता है और डायरेक्ट हमको देता है। अभी अगर मैं बात कर रही थी कि इसमें 35 रुपए का प्रोडक्ट बनता है और 100 रुपए में खरीदा जाता है, तो यहाँ पर भी बनता प्रोडक्ट 35 रुपए में है और बेचा जाता है एमआरपी जो उस पर प्राइस होती है 100 रुपए। बट ये जो बीच वाला जो मार्जिन जो बाकी सारे लोगों को 60% दिया जा रहा था, 60-65% का मार्जिन दिया जा रहा था, वो मार्जिन डायरेक्टली वापस लौट के उन्हीं लोगों को दे दिया जाता है जिनकी वजह से आता है। मतलब एक सिस्टम में डाल दिया जाता है, अलग अलग इनकम के स्लैब में डाल दिया जाता है, जिससे हर वो इंसान जो यहाँ प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको लेकर, जो वो उसको प्रोडक्ट को खरीदवा रहा है, जिसने माध्यम बना था, हर किसी को रिटर्न्स मिलते हैं और रिटर्न्स बहुत बड़े लेवल पे मिलते हैं। कितने मिल सकते हैं? मेरी सीनियर हैं सुरेखा मैम, जो मोदी केयर में आज से 25 साल पहले जुड़ी थी, मगर लगातार वो मोदी केयर करते रहे और उसका आज का नतीजा ये है, उनकी महीने की इनकम, हर महीने जो उनका चेक आता है वो करीबन 3 से 3.5 करोड़ रुपए पर मंथ आता है। ठीक, वो दुनिया की जो सबसे टॉप 100 महिलाएं हैं, जो टॉप अर्निंग महिलाएं हैं, उनमें से एक हो चुकी हैं। टिपिकल मारवाड़ी फैमिली में एक साधारण सी लेडी जिसने काम करते करते आज इंडिया की जो टॉप अचीवर्स हैं, जो टॉप अर्नर हैं, उनने अपना मुकाम हासिल किया। ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सिंपल तरीके से, अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। प्राची, ठीक है, वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। कितना कमा सकते हैं? अगर सुरेखा मैम 3 करोड़ कमा सकती हैं, इट मीन्स हम उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। लिमिट नहीं है, ना मिनिमम की ना मैक्सिमम की, ना मिनिमम की लिमिट है ना मैक्सिमम की लिमिट है। हम कितनी मेहनत करते हैं शुरुआत में, कितना सीखते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उसके ऊपर। मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मैंने मोदी केयर शुरू किया था 2012 में, 2012 में मोदी केयर शुरू किया और 2012 से लेके 2014 तक मैंने काम किया। 2 साल बहुत मेहनत की, बहुत टॉप पोजीशन पे मैं पहुंची। उसके बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए जिसकी वजह से मोदी केयर से मैंने क्विट नहीं किया, मेरी आईडी चलती रही और जो 2 साल मैंने काम किया था वो लोग काम करते रहे और उसका नतीजा ये हुआ। आज जब मैं वापस 8 साल बाद सोच रही हूँ वापस से काम करना शुरू करने की, तो मैं अगर अपनी आईडी देख रही हूँ कि मेरी आईडी पे बिजनेस कितना हो रहा है, तो मेरी आईडी पे बिजनेस हो रहा है करीबन 80 लाख रुपए महीने का। क्योंकि मैंने काम करते समय जिन लोगों को ज्वाइन किया था वो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग काम कर रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि नीचे बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। मतलब मैं 8 साल तक स्लीपिंग मोड में थी, स्टिल मेरा पर्सनल परचेज चालू था क्योंकि मैं मोदी केयर की कंज्यूमर बहुत अच्छी थी। शुरू से लेके अभी तक मैं कंज्यूमर रही, अपनी बस परचेज करती रही, जितनी मेरी जरूरत है, जितनी बेसिक चीजें मुझे चाहिए हैं, वो चीजों पे मैं काम करती रही और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी आईडिया एक्टिव थी, मेरे नीचे जो टीम काम कर रही थी उसका एडवांटेज मुझे मिलता रहा और वो एडवांटेज मिलता रहा और एक इनकम आती रही। अब जब मैं कम बैक करने का सोच रही हूँ तो मेरा एक इतना बड़ा वॉल्यूम की मेरी टीम काम कर रही है कि अब मुझे थोड़ा सा भी काम मैं करूंगी तो मुझे लाखों में इनकम आएगी। मतलब मैंने अगर 10 लाख का बिजनेस अलग से किया तो मेरा इनकम 4-5 लाख रुपए महीने का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोदी केयर का एक टाइम जो मैं काम नहीं करते समय भी स्लीपिंग में भी मेरा एक्यूमुलेट हो रहा था, मेरी टीम बढ़ रही थी, वो उसका एडवांटेज मुझे मिलना है। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, और भी काम है जिनको मैंने नहीं किया तो 1 रुपए की भी इनकम नहीं हुई, उल्टा टैक्स लाइबिलिटीज मेरे ऊपर बहुत ज्यादा आ गई। मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हमने 2 साल काम नहीं किया, 2 साल काम नहीं किया तो उसकी वजह से हमको टैक्स लाइबिलिटीज दुनिया भर की आ गई, बट इनकम 1 रुपए की भी नहीं आई। ठीक, तो मगर यहाँ पर मैं काम नहीं कर रही थी और मेरा बिजनेस जो है वो सेविंग्स बढ़ती जा रही थी और जब मैंने कम बैक करने का सोचा तो मुझे वो मल्टीप्लाई इफेक्ट में रिटर्न देने वाला है। तो ये है इसका पावर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ लोग 10-15 हजार रुपए महीने से लेकर करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं। बहुत सारे स्टोरीज मिलेंगी, मैं आप लोगों को ग्रुप में डालती रहूंगी, आप लोग देख सकते हो।
डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट क्या है? सबसे पहली जिस चीज है, हम जब कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करते हैं तो हमको एक जगह की जरूरत होती है, हमको एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। जैसे कविता मैम ने अपना पार्लर शुरू किया तो उन्होंने एक बजट रखा था, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, वो बजट रखा था, उसके बदले में उन्होंने काम शुरू किया। आज हम लोग भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो हमको भी हर महीने की कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट लाखों करोड़ों रुपए हम भी खर्च कर चुके थे। बट डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। इन्होंने लो इन्वेस्टमेंट लिखा है बट मैं बात करूंगी कि यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपको क्या करना होता है, पहले अपने प्रोडक्ट खरीदने होते हैं। वैसे भी हमारे घर में साबुन, तेल, घी, पेस्ट, ये सब कुछ आता ही है। अगर हम यहाँ शॉप बदल रहे हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जगह को रिप्लेस कर रहे हैं, हम शॉप को रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ लो इन्वेस्टमेंट की जगह मैं बात करूँ तो जीरो इन्वेस्टमेंट है, बट इन्होंने लो इन्वेस्टमेंट बोला है। बिना इन्वेस्टमेंट के हम एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। रिस्क क्या है? जीरो रिस्क। अगर हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और खरीदने के बाद में हम नॉर्मल भी दुकानदार से खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, सेम चीज यहाँ पर भी हमने प्रोडक्ट खरीदा और कंज्यूम किया। मैं कभी नहीं कहती कि वो प्रोडक्ट खरीदो जो आपके घर में इस्तेमाल नहीं होते, वो प्रोडक्ट खरीदो जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं। तो रिस्क क्या है? जीरो रिस्क। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम इफ एंड बट सोचते हैं कि अगर इस पे किया तो क्या मिलेगा, नहीं मिला तो क्या मिलेगा, क्या नहीं, हम क्या खोएंगे, अगर मिला तो कितना मिल सकता है और नहीं मिला तो क्या खो सकते हैं। तो यहाँ पर खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, बट मिलने के लिए लिमिटलेस है। मतलब आप जितना चाहो उतना यहाँ से अचीव कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। आप अपना चेक खुद डिजाइन करोगे, आप अपना चेक खुद लिखोगे, उसमें सपोर्ट हमारा पूरा होगा। अगर आप कहते हो ना कि रजनी मैम मुझे 5 साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है, मैं कहूंगी यस पॉसिबल है। आप कहोगे मुझे 6 महीने में 1 लाख रुपए महीना कमाना है, मैं कहूंगी यस पॉसिबल है। मतलब आप जो बोलोगे ये एक हमारे लिए जो है जिनी है, जिनी जो कहते थे ना, जो हुक्म मेरे आका, वो इंडस्ट्री है ये। बट जिनी को सिर्फ घिसने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, यहाँ शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो रिस्क जीरो है, 1 रुपए के रिस्क के बिना हम इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं, लिमिटलेस काम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, नो। आपको कोई मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, नो। कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, नो। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, नो। आप जहां हो जैसे हो वैसे आप इस काम को शुरू कर सकते हो, इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। उसके बाद में अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर एक ब्यूटिशियन है, एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक CA है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसे कोई भी प्रोफेशन में अगर है, तो वो जब तक अपना दिमाग चला रहे हैं, अपने हाथ पैर चला रहे हैं, तब तक उनको इनकम आने वाली, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं जाने वाली। इवन गवर्नमेंट जॉब में कोई IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर क्यों ना हो, क्लास 1 ऑफिसर कौन क्यों ना हो, उसका जो उसकी जो इनकम है वो सिर्फ उसके स्पाउस तक ही सीमित होती है, उसके आने वाली जनरेशन को नहीं मिलती। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जो काम करोगे वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो काम करेगी उसकी नेक्स्ट जनरेशन को, ये बिजनेस 7 जनरेशन तक ट्रांसफर होता है। 7 जनरेशन मतलब जिसके पास में है उसकी 7 जनरेशन तक, इट मीन्स अनलिमिटेड। आपकी आज हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पिताजी ने जमीन बना के रखी, बट जमीन कितनी बना सकते हैं, लिमिट से हर महीने इनकम नहीं दे सकती। मगर ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो कोई भी काम करेगा, जैसे मैंने 2 साल काम किया, 8 साल काम नहीं किया, स्टिल मेरी इनकम आ रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन को ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा। इट मीन्स ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने वाला बिजनेस है। उसके बाद में ट्रांसफरेबल है। अगर मुझे लगता है कि यार मैं अब उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही हूँ, उतनी मेहनत नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मेरा नाम ट्रांसफर कर देना चाहिए मेरे बच्चों को, तो मैं इसको ट्रांसफर कर सकती हूँ। ट्रांसफरेबल बिजनेस है, जनरेशन को अपने आप ट्रांसफर होने वाला बिजनेस है। ओके, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सबसे पहली जो चीज है, कोई भी काम आप करते हो तो उसमें आपको लर्निंग करनी पड़ती है, आपको सीखना पड़ता है, स्किल डेवलप करना पड़ता है। एक्सपीरियंस अचीवमेंट के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। या ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जस्ट आप कॉपी कैट करते जाओ, जो मैंने किया वो आपने करना है। कॉपी करके, नॉर्मली हम कहते हैं ना कॉपी मत करो,
कॉपी मत करो, बट ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें कॉपी करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इनकम भी 3 करोड़ रुपए महीने की होनी चाहिए, तो हमें क्या करना है, सुरेखा मैम को कॉपी करना शुरू कर देना है। वो उनकी कॉपी करते जाएंगे, हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। तो ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, हम दूसरे के एक्सपीरियंस से भी काम कर सकते हैं। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि राइटर्स को, उसके बाद में सिंगर्स को, इनको पैसिव इनकम मिलती है। मतलब उन्होंने जो गाना गाया है, जिन्होंने जो लिखा है, वो जितनी बार बिकेगा उतनी बार उनको उनको इनकम मिलेगी। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपने जो काम किया उसका रिटर्न आपको लाइफ टाइम मिलता जाएगा। अब इस बिजनेस को करने के लिए आपको फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम करना है? आप अब चूंकि मेरे इतने सारे काम हैं, मेरे लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं 24 घंटे सिर्फ मोदी केयर पे काम करूं, बट मैं दिन का अगर 3 घंटे भी निकाल रही हूं, 3 घंटे भी निकाल रही हूं, तो भी मैं यहां से 1 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए महीना पार्ट टाइम काम करके भी निकाल सकती हूँ, आराम से निकाल सकती हूँ। सेम चीज आप लोग भी कर सकते हो। आप डिसाइड करोगे आपको फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम करना है। जो फुल टाइम करेगा वो मल्टीप्लाई में इनकम करेगा, जो पार्ट टाइम करेगा वो स्लो एंड स्टडी विद द ग्रेस वाला हिसाब किताब से इनकम जनरेट करेगा। बट आप डिसाइड करोगे, आपका टाइम के मालिक आप होगे। जैसे आप किसी ऑफिस में ज्वाइन करते हो तो आपको ऑफिस का मैनेजमेंट बताता है कि आपको 8 घंटे काम करना, 9 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है। बट यहाँ पर आपको, आप डिसाइड नहीं करोगे, आप डिसाइड करोगे कि आपको कितने घंटे काम करना है, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। तो ये पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों बिजनेस है, जैसे आप इसको कर सकते हो वैसे कर सकते हो। अब मोदी केयर के बारे में और डिटेल में अगर मैं बात करूँ, तो ये इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि शुरू हुआ था 31 मार्च 1996 में। 1996 मतलब पूरा 26 साल इस कंपनी को हो चुका है। इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, आज की डेट में नंबर 1 टर्नओवर करने वाली कंपनी है। और 26 साल से समीर मोदी जी ने इसको शुरू किया था, इंडिया में फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अब कौन कौन है इसमें, क्या है उसके बारे में कुछ अगर मैं बात करूं, तो कंपनी का खुद का अपनी वर्थ, अगर मैं मोदी इंटरप्राइजेस की बात करूं, मोदी ग्रुप की बात करूं, तो ये लगभग 10-12 हजार करोड़ की खुद की वर्थ रखने वाली कंपनी है। उसके साथ साथ में इनके वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, रिवॉर्डेड है। उसके बाद में 120 कंट्रीज में जा चुका है मोदी केयर। सो ओवरऑल 25-26 साल का एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। फाउंडिंग मैनेजमेंट मेंबर्स हैं ये, उसके साथ साथ में विनर, काफी सारी चीजें इन्होंने, काफी सारे अवार्ड इन्होंने विन किए हैं। इस ग्रुप की शुरुआत कब हुई थी? इस ग्रुप को शुरू किया गया था 1933 में। 1933 में इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी, राय गुर्जरमल मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद के मोदी, आप लोगों ने मूवी देखी होगी जिसका नाम था, ये सलमान खान की थी, रेडी। उसमें के मोदी, बीके मोदी नाम हम लोगों ने सुना था, कई जगह हमने नाम सुना हुआ है। तो राय गुर्जरमल मोदी जी के बेटे हैं के मोदी। उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे मोदी ग्रुप को बढ़ाया। 2.5 बिलियन ग्लोबल रिवेन्यू इनका जनरेट होता है, इंटरनेशनल कंपनी है। अगर आप लोग कलर बार को जानते हैं तो कलर बार मोदी ग्रुप की कंपनी है। अगर आप 24/7 जानते हैं तो मोदी ग्रुप की कंपनी है। मोदी ग्लास जानते हैं तो मोदी ग्रुप की कंपनी है। मोदी धागे जानते हैं तो मोदी ग्रुप की कंपनी है। आज के डेट में जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरपर्सन हैं, वो हैं बीना मोदी, जो कि समीर मोदी जी की मदर हैं, और ये भी काफ़ी सक्सेसफुल महिला है। उसके साथ साथ में समीर मोदी की अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में शुरू करने वाले समीर मोदी हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोदी ग्रुप के। उसके साथ साथ में इसके फाउंडर हैं मोदी केयर के। उसके साथ साथ में काफ़ी बड़े लेजेंडरी लीडर हैं, जिनका सोचना है कि इंडिया को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। अगर मैं मोदी केयर की बात करूं, तो मोदी केयर कितनी बड़ी कंपनी है, 1800 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है 26 साल में। 55 लाख हम जैसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में इसमें ज्वाइन है, कोई यूजर बन के, कोई सेलर बन के, कोई लीडर बन के, अलग अलग तरीके से। पर डे 10,000 लोग हमारे साथ में एसोसिएट हो रहे हैं, मोदी ग्रुप के साथ में एसोसिएट हो रहे हैं। अगर हम लोगों ने शुरुआत नहीं की तो यकीन मानिए, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपके पड़ोसी, जिनको पड़ोसी, रिश्तेदार, पहचान वाले,
जिनको आप अपनी टीम में ला सकते हो, वो लोग अगर आपने शुरुआत नहीं की तो आप उससे कुछ दिन बाद मिलेंगे और अपनी टीम में आपको लाने की कोशिश करेंगे। क्या करना होता है वो मैं डिटेल में बताऊंगी। फ्री है, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं है। 5,000 सिटीज में मोदी केयर ऑपरेट करती है, 17,000 पिन कोड में जो है डिलीवरी होती है। सो आपको किसी की दूसरे की डिलीवरी से लेना देना नहीं होगा, आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सब सिखाऊंगी कैसे करना है, क्या करना है। 5,00,000 स्क्वायर फीट का तो इनका वेयर हाउस है, मतलब इतनी बड़ी रेंज है। 15,000 डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, हमारे पास में भी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है, आप लोग भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट लेना चाहोगे तो ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा खर्चा आता है, क्या आता है वो बताती हूँ। प्रोडक्ट की रेंज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हेल्थ न्यूट्रिशन वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, कलर कॉस्मेटिक है, कलर कॉस्मेटिक अर्बन कलर और कलर बार दोनों एक ही कंपनी के ब्रांड हैं, इसीलिए क्वालिटी 100% मिलती जुलती है। उसके बाद इसने स्किन केयर में है स्लोका, बहुत ही बेहतरीन रेंज है। इसको हम बोल सकते हैं ये साइंटिफिकली बने हुए प्रोडक्ट हैं बट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, तो इसको बोलते हैं साइन वेदा पे बेस्ड है। फूड एंड ब्रिवलेज में गाय का घी आता है, सरसों का तेल आता है, पूरे मसाले आते हैं, हल्दी मसाला सब 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 कुछ आता है, चाय पत्ती आती है, कॉफ़ी आती है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद ऑटो केयर है जहाँ पे हम कार वॉशिंग के लिए चीज़ें ले सकते हैं। पर्सनल केयर में सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर वो चीज़ जो हमको लगती है वो सब कुछ पर्सनल केयर में, हैंड वॉश है, पेस्ट है, ब्रश है, साबुन है, तेल है, सब कुछ। सलोन ऑयल आप लोगों ने बहुत सुना होगा, टी ट्री ऑयल आपने सुना होगा, सब मोदी केयर का है। लॉन्ड्री केयर जो है, लॉन्ड्री केयर में डिटर्जेंट है, मशीन वाला डिटर्जेंट अलग है, बकेट वाला अलग है, कपड़े का साबुन भी है। उसके बाद में वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए, हमारे डेलिकेट कपड़ों के लिए, मैंने जब जिस दिन से मोदी केयर ज्वाइन किया उस दिन से अब तक मैं कभी भी इसमें जाके मतलब ड्राई क्लीन के लिए मेरे कपड़े नहीं गए। इसका एक डेलिकेट है जो बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी वीडियोस भी भेजते रहूंगी कौन कौन से प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। होम केयर में जो इसका ये है फिनाइल है, उसके साथ साथ में वंडर ड्रॉप है, आप लोगों को उनके सारे डेमोस मैं बहुत जल्द आप लोगों को सिखाते जाऊंगी। रोज आप लोगों को कोई ना कोई प्रोडक्ट पे हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर, अगर कोई गाँव से है तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। ज्वेलरी है, लाइफ स्टाइल के लिए है, उसके बाद में अगरबत्ती है, कीज है, ये अपनी अगरबत्ती है, उसके बाद में वॉचेस हैं, उसके साथ साथ में टेक के लिए भी चीज़ें हैं। ओके, और मोदी केयर की खूबी अगर ये है कि मार्केट में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैसा जो बांटती है, जो रिटर्न देती है, वो है मोदी केयर, जो लगभग 62% अमाउंट वापस अपने नेटवर्क में दे देती है। लो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको करना कुछ खास नहीं है, 60 PV का परचेस करना होता है। 60 PV परचेस करने के बाद आपको क्या क्या मिलता है वो भी मैं चार्ट आपको डाल दूंगी। तो 60 PV की परचेस, उसमें आप घर के सारी चीजें ले सकते हो जो आपको लगने वाली है। मैंने 60 PV की परचेस करके कुछ चीजें मंगाई हैं, उसकी इनवाइस भी आप लोगों के पास में डाली है ताकि आपको पता चल सके कि हमारे घर में हर चीज जो लगती है वो सारी चीजें यहाँ से हम खरीद सकते हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट है और 100% मनी बैक गारंटी हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि 100% मनी बैक गारंटी है, बट वो सिंगल यूज के बाद में। तो आप क्लियरली पहले तो नॉलेज लीजिए, उसके बाद लोगों को बताइए। ट्रेनिंग सपोर्ट, पूरा सपोर्ट है। ये पहला बिजनेस है जहां पर आपको बढ़ाने के लिए कंपनी लीडर्स, ट्रेनर्स सब आपको हेल्प करते हैं, आपकी इनकम बढ़ाने के लिए दूसरा आपके लिए काम करता है, दूसरा आपको सपोर्ट करता है, ये कहीं और पॉसिबल नहीं था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इनकम प्लान कैसा है, तो इसमें टोटल 12 तरीके की इनकम मिलती है। रिटेल इनकम है, उसके बाद में एक पूल है 3% का समीर मोदी, उसके बाद में परफॉर्मेंस बोनस है, डायरेक्टर बोनस है, बाइक बोनस है, जितना भी आप जहां पर भी बोनस देख रहे हो ठीक वहां पर ये चेक से आता है। अगर जहां पर भी आप फंड देख रहे हो तो वो फंड इकट्ठा होता है और आपको उस चीज को खरीदने के लिए दिया जाता है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं 8 साल से काम नहीं कर रही थी, बट चूंकि मैंने क्वालिफाई कर लिया था कार फंड के लिए, तो कार फंड मेरा थोड़ा 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 इकट्ठा होते होते अभी करीबन 3.5-4 लाख रुपए का कार फंड मेरा इकट्ठा हो गया है। जिस दिन मैं नई गाड़ी लेना चाहूंगी उस दिन ये डाउन पेमेंट के लिए या पूरे अमाउंट के लिए मुझे मिल जाएगा। ट्रैवल फंड, मेरे कई बार मैं ट्रैवल फंड मतलब कई जगह टूर पे जा चुकी हूँ,
उसके बाद में अभी 2 साल कोविड की वजह से हम नहीं गए, पिछले साल मुझे 3.5 लाख रुपए का ट्रेवल फंड मुझे मेरे अकाउंट में वापस मिल गया। उसके साथ साथ में हाउस फंड, हाउस बोनस है, ये चेक के साथ में ही आ जाता है हर महीने का। लीडरशिप बोनस है, उसके बाद में ब्लैक डायमंड बोनस है, रेड डायमंड बोनस है, ऐसी 12 अलग अलग तरीके की इनकम आती है, स्टेप बाय स्टेप आती है। कैसे आती है, क्या होता है, वो मैं बताती हूँ पूरा आपको। रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी एक होती है एमआरपी कॉस्ट और एक होती है सीपी कॉस्ट, मतलब कंसल्टेंट प्राइस। कंसल्टेंट प्राइस में हमको प्रोडक्ट मिलता है, एग्जांपल के तौर पे टी ट्री ऑयल, चूंकि आप सब लोग चूंकि ब्यूटी से रिलेटेड हैं तो इसलिए वो बता रही हूँ, 330 रुपये उसका एमआरपी है, उसका डिस्काउंट प्राइस है आपका 295 रुपीज। तो ये है आपका रिटेल प्रॉफिट, जो 330 और 295 के बीच का जो मार्जिन है 35 रुपये, वो आपका रिटेल प्रॉफिट है। इसको इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाया है कि अगर हम 1000 रुपए की परचेज कर रहे हैं कोई चीज डीपी प्राइस पे और उसके एमआरपी 1200 रुपए है, इट मीन्स हमको 200 रुपए का रिटेल प्रॉफिट मिला। दूसरा है समीर मोदी बोनस, जो 3% का है। जब भी हम परचेज करते हैं 60 PV का, तो कंपनी के पूरे टर्नओवर का, हमारी अकेली परचेज का नहीं, कंपनी के पूरे टर्नओवर का 3% अमाउंट जो है एक पूल में डाल दिया जाता है, और जितने लोग भी क्वालिफायर होते हैं उन सब लोगों को ये अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। कैसा क्या एग्जांपल होगा वो मैं आज आप लोगों को बता दूंगी। हर महीने हम कितने की परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर हमको दूसरी इनकम मिलती है, लॉयल्टी बोनस। लॉयल्टी बोनस क्या है, अगर हम 30 पॉइंट की परचेज करते हैं तो हमको नेक्स्ट मंथ में 200 रुपए के हमारी च्वाइस के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर हमने 660 PV की परचेज की, अब 60 PV आप लोगों के हिसाब से आप सोचेंगे कितने का होता है, 60 PV की अगर हम परचेज करते हैं, चूंकि पावर ऑफ 60 का मैं फॉर्मूला बताऊंगी आपको, तो हमको 600 रुपए का लॉयल्टी बोनस मिलता है। 60 PV कितने में बन जाते हैं, अगर मैं स्किन केयर की बात करूं या मैं पर्सनल केयर की बात करूं या फिर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं, तो 60 PV 3000 रुपए में बन जाते हैं। अगर मैं यही होम केयर की बात करूं तो लगभग 4-4.5 हज़ार रुपए में, मतलब मिक्स मैच में अगर मैं बात करूं तो लगभग 3-4 हज़ार रुपए में हमारे 60 PV बन जाते हैं। उसमें हमको क्या मिलता है, पहला हमको मिलता है रिटेल प्रॉफिट, दूसरा हमको मिलता है लॉयल्टी बोनस। 600 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं, 600 रुपए के प्रोडक्ट मतलब 15-20% के प्रोडक्ट हमको नेक्स्ट मंथ में फ्री मिल जाते हैं। क्या हमने दुकानदार से 3000 रुपए की परचेज की और अगले महीने वो हमको 600 रुपए में का फ्री प्रोडक्ट देगा, नहीं देगा, ये सिस्टम ही नहीं है। बट यहाँ पर है, यहाँ 3000 रुपए की परचेज इस महीने की, जिसमें डिस्काउंट भी मिल गया, चेक भी आ गया, गिफ्ट भी आ गए, और अगले महीने आपको 600 रुपए का फ्री प्रोडक्ट फिर से मिल जाता है लॉयल्टी की वजह से, कि आपने हमसे परचेज किया, आप हमारे लॉयल कस्टमर हो, इसलिए हम आपको अगले महीने के लिए 600 रुपए की परचेज दे रहे हैं। उसके बाद में जब भी हम ज्वाइन करते हैं उसके बाद हर महीने की 1 तारीख से 23 तारीख तक रीपर्चेज स्कीम होती है। हम 1000 रुपए की परचेज करते हैं तो हमको 100 रुपए का ये मिलता है, गिफ्ट मिलता है। 2000 की परचेज करते हैं तो 200 रुपए का मिलता है। 3000 की परचेज करते हैं तो 300 रुपए का मिलता है। 5000 की परचेज करते हैं तो 500 रुपए का गिफ्ट मिलता है। तो इसको हम कहते हैं रीपर्चेज स्कीम। तो बात करें तो रिटेल प्रॉफिट 20% के आपको लॉयल्टी गिफ्ट, उसके बाद में 10% के ये गिफ्ट, तो आपका यहीं पर हो गया 50%। अब बात करते हैं एक और चीज की। हर महीने 2000 लोगों का लकी ड्रॉ निकलता है जिसमें 2000 रुपए के उनको फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, प्राइजेस मिलते हैं। अब ये लकी ड्रॉ का सिस्टम क्या है, अगर आपने 1 से 10 तारीख तक 60 PV की परचेज की तो आपको 3 टिकट मिलते हैं, और आपने अगर 11 तारीख से 20 तारीख तक परचेज की तो आपको 2 टिकट मिलते हैं। मतलब अगर आपने 120 पॉइंट की परचेज की तो आपको 5 टिकट मिल जाते हैं, 5 बार आपका नाम क्वालिफिकेशन में चला जाता है। और अगर आपने 60 PV की परचेज की शुरुआत के उसमें, तो 3-4 टिकट मिलते हैं। और ये लकी ड्रॉ जो होता है वो कंप्यूटराइज होता है, इसमें कोई बायस नहीं होता है किसी भी तरीके का। तो हर महीने विनर्स का चांस हमारे पास में होता है, हम मैक्सिमम बार हमारा अगर हम लकी पर्सन है तो हमको गिफ्ट मिल जाते हैं या हमको प्राइजेस मिल जाते हैं, ये एडिशनल बेनिफिट है। उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं कि इनकम कैसे बढ़ती है, स्लैब होता है परफॉर्मेंस बोनस का, जो कि 5% से लेकर 11% होता है। जब कोई 60 PV का परचेस करता है 300 PV तक, तो उसको 5% का चेक आता है। चेक कैसे आता है, इसका फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो, मैं आप लोगों को बना के भेजूंगी कि फॉर्मूला क्या है, मैं आज ही बना के भेजती हूँ कि कैसे हमें इसके टर्म यूज याद करने हैं। तो जीपीवी अगर हमारा है, मतलब पर्सनल पीवी
जो हम पर्सनल परचेस करते हैं उसको हम पीवी बोलते हैं, जो हमारी टीम जो परचेस करती है उसको हम जीपीवी बोलते हैं, ग्रुप पर्सनल वॉल्यूम। तो इसके ऊपर कैसे चेक आता है मैं आप लोगों को पेन पेपर पे लिख के डिटेल में भिजवाती हूँ। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे मिलता है, क्या मिलता है, किस पे मिलता है, कैसे डिफरेंशियल मिलता है। उसके बाद में ये एक साथ में समझ में नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप हम इस पे जाएंगे। जैसे ही हमारा क्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम अगर 1200 हो जाता है हम डायरेक्टर बन जाते हैं। डायरेक्टर बनने के बाद में बची हुई हमारी 10 इनकम डायरेक्टर के साथ में शुरू हो जाती हैं, जो कि बहुत बड़ी होती हैं। डायरेक्टर बोनस होता है जिसमें कंपनी के 16% टर्नओवर का आता है, उसके अलावा लाइफस्टाइल बाइक है, उसके बाद ट्रेवल फंड है, उसके बाद में वर्ल्ड टूर है, कार फंड है, हाउस फंड है, ये लाइफस्टाइल बोनसेस में आ जाते हैं। बाइक बोनस कैसे मिलता है, 3% कंपनी के टर्नओवर का मिलता है हर उस इंसान को जिसने 60 पीवी किया है, उससे वो अपनी ड्रीम बाइक ले सकता है। नेशनल ट्रेवल है, उसके लिए 4% का फंड होता है, जहाँ पे अभी नेक्स्ट मंथ ईयर में जो भी इस साल में लोग काम करेंगे उसका नेक्स्ट ईयर में उनको गोवा जाने मिलेगा। गोवा में भी 5 स्टार 7 स्टार रिसोर्ट में ये पूरा किया जाता है। उसके साथ साथ में ट्रेवल फंड की अगर मैं बात करूं तो ट्रेवल फंड, पहला ट्रेवल फंड हो रहा है थाईलैंड में और दूसरा ट्रेवल फंड और किसी कंट्री में है, तो 2 बार हमको फॉरेन मतलब टोटल 3 बार हमको ट्रिप पे जाने का मौका मिलता है। कार फंड है, बहुत सिंपल क्वालिफिकेशन, अगर हमारी टीम में 4 लोग डायरेक्टर बन जाते हैं हमको कार फंड मिलना शुरू होता है, जिसकी कैपिंग हर महीने की 50,000 है। उसके बाद हाउस फंड है, जहाँ पर 6 लोग अगर डायरेक्टर बन जाते हैं हाउस फंड हमारा शुरू हो जाता है। लीडरशिप इनकम है, जहाँ पूरे टर्नओवर के ऊपर आपका 15% ऐसा निकलता है और डिवाइड हो जाता है, जो इनकम सबसे बड़ी इनकम है, जहाँ पर 4, 5, 6, 8 0 जो लग सकते हैं वो इसी इनकम से लगते हैं। कब मिलती है, कैसे मिलती है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। आज टोटल आप लोगों को कौन कौन सी इनकम कब कब मिलती है उसके ऊपर बताया है मैंने। ये पूरा चार्ट और ये PDF भेजा हुआ है, एक बार में समझ में नहीं आएगा पूरा प्लान, आई नो। आपको वेबसाइट में जैसे ही आप रजिस्टर हो जाएंगे आपकी आईडी के बाद में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ये चार्ट एक बड़ा सिंपल दिया है, किसको कौन सी प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन कौन से सप्लीमेंट उसको यूज करना है, वो एक चक्र दिया हुआ है, इससे हम चेक कर सकते हैं और हमको पता चल जाता है कि क्या है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कैटलॉग्स मिल जाते हैं, स्किन टाइप को चेक करने के लिए मिल जाता है, मोदी केयर की बुकलेट मिलती है, पूरा सपोर्ट सिस्टम है ट्रेनिंग के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलते हैं। अगर आप लोगों में से जो लोग भी मोदी केयर में अच्छे से काम करना चाहता है, देखो मैं अपना स्वार्थ बता देती हूँ, मुझे करीबन 30 लोग चाहिए हैं जिनको मैं 1-1 लाख रुपए कमाऊँ। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि इनकम प्लान जो है, जो कहता है टॉप टाइटल के लिए, उस टॉप टाइटल के रिक्वायरमेंट जो है वो मुझे है करीबन ऐसे लोग जो करीबन 30 ऐसे लोग जो डायरेक्टर हो, मिनिमम डायरेक्टर हो, सीनियर डायरेक्टर हो, ब्लैक डायमंड हो, डायमंड हो, ऐसे कम से कम 30 लोग मुझे चाहिए मेरी टीम में। मतलब मेरे अंडर में 6 लोग और 6 लोगों के अंडर में 36 लोग, बट मेरी एक लाइन बहुत पावरफुल चल रही है, तो मेरे अंडर में 5 लोग और 5 लोगों के अंडर में 30 लोग, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो जो भी मेरे साथ में ठीक काम करना चाहेगा, मुझे ऐसे 30 लोग चाहिए जो कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाने की भूख रखते हैं। अगर उनमें से आप एक हैं, तो मैंने कहा ना कि यहाँ ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहाँ आपका सीनियर आपको सपोर्ट करता है ज्यादा कमाने के लिए, क्योंकि उसको भी ज्यादा कमाना है। जब आप ज्यादा कमाओगे तो वो भी ज्यादा कमाएगा। सो ये है हमारा स्वार्थ, जहाँ पर मुझे 30 ऐसे लोग चाहिए जो कम से कम महीने का 1 लाख रुपए कमाने की भूख रखते हो, उनको सपोर्ट करना, उनको आगे बढ़ाना हमारी जवाबदारी है, हम उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। सो क्या आप लोग उन 30 लोगों में से एक हैं जो हमें चाहिए हैं, जिनकी जो कम से कम महीने का मिनिमम 1 लाख रुपए कमाने की भूख रखते हैं और उसके लिए मेहनत करने तैयार है? नहीं, कोशिश करने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट हमारा रहेगा, सिर्फ आपको फिर तो हो जाएगा मैम। अगर सपोर्ट मिलेगा तो फिर तो हो जाएगा मैम। सपोर्ट 100% मेरा मिलेगा और इसमें पूरा सपोर्ट मैं खुद करने वाली हूँ। अब कैसे करना है, तो सबसे पहले आप एक काम करो, इस बार मैं किसी और को नहीं आप लोगों को दे रही हूँ, मैं खुद आपको सपोर्ट करूंगी और मैं खुद इसके ऊपर काम करूंगी। ये है मेरा दूसरा नंबर,
ठीक, क्योंकि इस नंबर पे इतने कॉल्स इतने मैसेज आते हैं कि कई बार मैं देख नहीं पाती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा वाला जो नंबर है जो आप लोगों के पास में होगा, आप इस नंबर को सेव कर लो अपने मोबाइल पे और इस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। ओके, सो आप लोग इसको नंबर सेव कर लीजिए, मैं नंबर नोट करा रही हूँ। 7509011465। इस व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो नंबर और बोलना नंबर। हाँ जी, नंबर फिर से बोलू, नंबर रिपीट करना मैम। ओके, 750, आप ग्रुप में हो क्या, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, आप लोग सेव कर लीजिए। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। कौन से वाले ग्रुप में हो आप? ठीक है, मैंने आप लोगों को मेरा नंबर ठीक है, मैंने आप लोगों को अपना पर्सनल नंबर दिया है, ठीक है। सो आप लोग इस नंबर पे मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे। मैम एक्चुअली मैं पहले से मोदी केयर की मेंबर हूँ, बट बीच में जैसे मेरी प्रेगनेंसी थी तो उसके कारण मैं काम नहीं कर पाती थी और बच्चा थोड़ा छोटा होने के कारण मैं नहीं कर पा रही थी। तो उसके क्या करना पड़ेगा? आपने, आप किसके साथ में थे, मेंबर थे, हमारी टीम में थे या किसी और की टीम में? नहीं मैम, मैं प्रॉपर रीवा की हूँ। मैं आप शायद से हमारी बातचीत भी हुई थी पहले, मेरा सोनिया गुप्ता नाम है। ओके, मैं आपके ओके सो आप लोगों को क्या क्या प्रोडक्ट क्या क्या चाहिए आईडी लगाने के लिए? सबसे पहले आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, उसके बाद दो अल्टरनेट दो नंबर मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी। आप लोग मेरे जो मेरा पर्सनल नंबर है 7509011465 इस पे आप भेज सकते हैं। हमारे साथ में काम करने में आपको जो एडवांटेज मिलेंगे वो एडवांटेज है, आपको ट्रेनिंग का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको मीटिंग्स का सपोर्ट मिलेगा, आपको नॉलेज प्रॉपर मिलेगा। और चूंकि हमारे पास में बहुत बड़ा डेटाबेस है उन सारी महिलाओं का, उन सारी लड़कियों का जो डिजायरिंग विमेन है, कुछ लाइफ में करना चाहती हैं, तो जैसे ही आप काम करना शुरू करोगे कुछ क्राइटेरिया रहेगा कि आपने ये काम शुरू कर दिया है और उसके बाद में हम लोग आपको अपना डेटा भी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, आपको टीम भी आपके साथ में लगा के देंगे ताकि आप उनके साथ में अच्छे से अपने बिजनेस को बढ़ा सको। सो मेरा दावा है कि जो भी मेरे साथ में 6 महीने पूरी शिद्दत के साथ में काम करेगा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे काम करेगा, जिस तरीके से मैं शेड्यूल बता रही हूँ उस तरीके से काम करेगा, महीने का कम से कम 1,00,000 रुपए कमा लेगा आराम से। सो अगर आप चाहते हैं कि 1,00,000 रुपए महीना कमाना है, सो फटाफट मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे डॉक्यूमेंट भेज दीजिए ताकि मैं आपकी आईडी लगा दूं और काम कर सकूं। इस प्रोजेक्ट को मैं खुद लीड कर रही हूं, इसमें ट्रेनर्स वगैरह सब आएंगे बट लीड मैं खुद कर रही हूं ताकि आप सब लोगों को आपके सपने पूरे करने में हेल्प कर सकूं। थैंक यू टू ऑल। अगर किसी का कोई सवाल है मैम तो आपसे लेके फिर वेबिनार भी लगा देंगे हम कोर्स के। हाँ जी जरूर जरूर जरूर। थैंक यू कविता मैम, आप लोगों की हिम्मत से मुझे हिम्मत मिल जाती है। चलिए, सो गुड नाइट, टेक केयर, फटाफट रजिस्टर कर लीजिए ताकि हम लोग काम शुरू कर सके। यस मैम।